विवादित वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन इन दिनों काफी सुर्खियों में है। ताजा विवाद आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो से बिटकॉइन में वसूली को लेकर सामने आया है। जानकारों के मुताबिक पहले भी कई हैकर्स कंपनियों से मोटी रकम वसूलने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो क्या बिटकॉइन वसूली का नया जरिया बनकर बिटकॉइन उभर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिटकॉइन दुनिया की उभरती डिजिटल करेंसी, ऐसी करेंसी जिसका कोई रेगुलेटर नहीं, जिसकी डिमांड और सप्लाई का कोई आंकड़ा नहीं, ऐसी करेंसी जिसे सरकार और आरबीआई ने गैर कानूनी घोषित कर रखा है। इस करेंसी का दुरुपयोग अब कंपनियों के लिए बन रहा है सिरदर्द। हाल में विप्रो को धमकी मिली जिसमें 500 करोड़ रुपए के बराबर रकम बिटकॉइन में अदा करने को कहा गया। पहले भी घरेलू कंपनियों से बिटकॉइन में फिरौती मांगने की खबरें आई थी। एप्पल से भी $75,000 इसी करेंसी में फिरौती मांगी गई, जबकि बिटकॉइन में कोई भी ट्रांजैक्शन फेमा नियमों के खिलाफ है। The key risk here is that bitcoins are unregulated and is designed in a manner that it remains unregulated. It has no central intermediary, it has no counterparty. There is essentially no way in which bitcoins can be regulated unless you take down servers one by one. It's essentially or it's akin to saying that you want to take the world wide web down. Is that possible? Possibly not. बिटकॉइन से वसूली मांगने के पीछे पहचान छिपा होना सबसे अहम है। रेगुलेशन से बाहर होने की वजह से फिरौती देने वाले और रकम पाने वाले दोनों की ट्रैकिंग नहीं होती। आम ट्रांजैक्शन की तरह नाम, पता या फिर कोई और ब्यौरा नहीं लगता। महज एक कोड से लेन देन होता है। करेंसी की वैल्यू का भी ठोस आधार नहीं होता, बल्कि सट्टेबाजी से कीमत तय होती है। नोटबंदी के दौरान बिटकॉइन के जरिए पैसा देश के बाहर भेजने के भी मामले सामने आए थे। बिटकॉइन की सप्लाई भी बिटकॉइन माइनर करते हैं, जो इस करेंसी में ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। साथ ही खास हार्डवेयर इस्तेमाल कर नेटवर्क को भी सुरक्षित रखते हैं। सरकार ने बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के रेगुलेशन पर समिति भी बनाई है। ये मिथ है क्या बिटकॉइंस अभी कंट्री में इलीगल है? बिटकॉइंस लीगल है एज पर एग्जिस्टिंग लॉज। क्रिप्टो करेंसी से क्या क्या यूज, क्या क्या इम्प्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस, क्या क्या यूज़ आगे हो सकते हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए और मैच्योर करने के लिए इसे एक्सेप्टेंस चाहिए। दुनिया भर में बिटकॉइन और इसके जैसी दूसरी वर्चुअल करेंसीज को लेकर काफी बहस हो रही है। जापान बिटकॉइन के पक्ष में है, जबकि रूस जैसे देश इसके खिलाफ हैं। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई।